दिस इज इट, लेट्स गो। हमारा पहला पीस है जो कि रैप हो चुका है कंप्लीट। ओह माय गॉड, अलार्म हमने लगाया था जी 10:30 बजे का और उठ हम रहे हैं कोई 2:30 बजे, तो वी आर वेरी वेरी लेट। वक्त का मुकाबला सख्ती से सख्त, फटाफट पिक करते हैं अपने फ्रेंड सारन अंसारी जिनकी नीड हमें सारा दिन होगी क्योंकि हमने आज अपनी गाड़ी रैप करनी है, हमें बहुत सारे काम है, हमने बहुत कुछ करना है, तो जरा सारन अंसारी को पिक कर लें फिर निकलते हैं दस्ती फटाफट शूटरी जाना आज मीन मोटर स्पोर्ट्स, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे हमें तकरीबन 2:30 बज गए हैं, तो 3:30 बजे भी 3:30 बजे भी गाड़ी अगर रैप करनी हम स्टार्ट कर दें ना तो रात के 12 तो इजी बज जाएंगे, तो इसलिए फटाफट चलते हैं और जाके शुरू करते हैं। टुडे इज द डे, बीडा इज गेटिंग रैप्ड, यस टुडे इज द डे, आज सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, आपकी दुआ से सब कुछ पैक। बाकी जी मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, काफी सारे लोग काफी सारे मशवरे दे रहे थे, मेरा इंस्टा भर गया, फ्लड हो गया आपके भाई का इंस्टा, इतना मैसेज आ रहा है, इतने लोग फोटोज भेज रहे हैं, कभी किसी गोरे की गाड़ी की, कभी किसी गाड़ी की, कोई रैप हुई हुई, कोई पेंट हुई हुई। जो बात अभी आपको मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो बात सिंपल सी है, स्ट्रेट सी बात है कि टेंशन ना लें, ईजी हो जाए, रिलैक्स होके बैठे, मजे में सुकून से बिना की ये जर्नी देखें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आई गॉट दिस, अपने भाई पे आप इतना तो यकीन रखें कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा, तो इसीलिए बेफिक्र होके बैठे इंजॉय करें, लेट मी डू दिस वन। सलाम, क्या हाल है आप? हसन भट्ट ना? हाँ जी, कैसे हो आप? मेरा आपका बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू। कजन तो पाती है, कजन फैन है, मैं नहीं हूँ। मीन मोटर स्पोर्ट्स हम पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा जो एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझे भेज रहे हैं गाड़ियाँ, कोई करोला पहले हुई हुई है, कोई सिविक रीबर्स पहले हुई हुई है, कोई मार्क एक्स हुई हुई है, तो जी सिंपल सी बात है, हमारे किसी के साथ रेस नहीं है यार, सारा कुछ अच्छा है, गुड है, सर जिसने पहले कराई भी अच्छी बात है, करवाई भी है, हमारे किसी के साथ पहले आने की रेस नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि हम करवा रहे हैं जी थोड़ा सा फन पर्पजेस के लिए और थोड़ा सा ज़रा रिफ्रेशमेंट के लिए, कि ज़रा देख के ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। वही बात है कि इस्लामाबाद शो के बाद गाड़ी अच्छी लगनी बंद हो गई थी, तो अब अच्छी लगने के लिए इसको ये करवा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी सरप्राइजेस आपका वेट करेंगे, तो इसीलिए ट्रस्ट योर ब्रदर ऑन दिस वन, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। इधर स्टड मारा हमारे फ्रेंड ने, व्हील खोलते हुए तोड़ दिया था, तो ये डलवाना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रा खुल छुल जाएँ, स्टड डलना है, उसके अलावा बोनट की थोड़ी सी मंजाइयाँ हो रही हैं, ज़रा मेक श्योर कि बिल्कुल ओके है सरफेस, बाकी गाड़ी को साफ साफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीन कुछ ऐसे है कि पूरी गाड़ी को हमने टागड़ा जी रुमा कर दिया, गाड़ी हो गई जी स्मूथ, ओके, ऑल गुड, हल्की सी जो मट्टी मौके की पड़ती है वो जो पीस रैप हो रहा होगा उससे पहले उसको हल्का सा कपड़ा चलाएंगे वो ओके हो जाएगा। सारन सारी मिशन पे हैं, इधर इसकी पिछली ये वाली लाइटें खोलनी है, डिक्की वाली लाइटें भी खोलनी है और ये वाली लाइट भी खोलनी है, रैप स्टार्ट करते हैं। जैन भाई इधर लगे हुए हैं जी, गाड़ी के गत्ते छत्ते खुल गए हैं, साइड मिरर खुल रहा है, डोर हैंडल्स वगैरह उतर गए हैं, ये वाला रहता है, सारा कुछ हो रहा है, इट इज़ फाइनली टाइम टू स्टार्ट द रैप, और ये है, ओ नहीं ये नहीं है। यार ये है यार, क्या हो गया, इजी हो जाएगा, दिस इज आवर रैप, लेट्स डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह उल अजीम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये जी नाज़रीन हमारा पहला पीस है जो कि रैप हो चुका है कम्प्लीटली, और इसमें शाइन वाइन तो मौजूद है, जिंदा है, बस अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते,
मजेदार लग रहा है, मजेदार लग रहा है, लेकिन जरा थोड़ा सा अभी साइड से हो जाएगा तो फिर ही कुछ पता चलना है। इस तरह नहीं समझ लग रही। यहाँ पे मौजूद है जी अपनी गाड़ी का कुछ सामान जिसमें मौजूद हैं हमारे दरवाजे वाले, ये जो भी इनको कहते हैं, साथ ये है जी इधर वाली जो इधर दरवाजों पे स्ट्रिप्स होती हैं, ये वो है, ये डिक्की की है जो डिक्की में नंबर प्लेट के, यार पटाखे चलाई जा रहे, काम तो करने दो यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये है जी नंबर प्लेट वाले फ्रेम के ऊपर जो पीस है, ये भी आपने ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर दिया है, ये भी ग्लॉस ब्लैक, ये भी ग्लॉस ब्लैक, ये भी ग्लॉस ब्लैक, ऑल थैंक्स टू ब्रांडेड स्प्रे पेंट। दरवाजे हो रहे हैं, डिक्की हो चुकी है, प्रोसेस जारी है, इनको थोड़ा सा सुखाते हैं, इन पे फिर मारते हैं लेकर शेकर ताकि ये पप्पू हो जाए। ग्लॉस ब्लैक पार्ट्स की कलेक्शन में ना चीजें शामिल होती जा रही हैं। अब जो एडिशन इसमें हो रहा है वो है जी हमारी फॉग लाइट के कवर्स का, इनको भी ग्लॉस ब्लैक कर ही लेते हैं, क्रोम को देखते हैं कि रैप करना है या क्या करना है, किस तरह इससे निजात पाना है, लेकिन क्रोम हमें नहीं चाहिए, इसको भी ग्लॉस ब्लैक में करेंगे। उसके अलावा ये है हमारी गाड़ी का रूफ स्पॉइलर, ये रैप हो जाएगा ग्लॉस ब्लैक में, लेकिन उससे पहले इसको मंजाई शंजाई करके ज़रा क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जैन भाई एक ब्लैक ग्लॉस ब्लैक स्पॉइलर भी निकालें प्लीज़। तो हमारी गाड़ी पे पहले लिप लगा हुआ था, हम उसी लिप के साथ जा रहे हैं दोबारा, मेरे हाथों पर इधर उधर पेंट देख के आपने ज़रा इग्नोर करना है, क्योंकि आपका भाई ज़रा फुल मेहनत मोड में है, गाड़ी को क्लियर करना है आज के दिन में। और इसी के साथ दो दरवाजे और हो चुके हैं। इज द फर्स्ट लुक इंप्रेशन ऑफ आर वाइट चिटे यूरो आर रिम्स विद ग्रीन वाइट ग्रीन, हाय 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 कमाल। जैन भाई नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही है, लग गया, नट लगाते हैं। ओए ये पकड़। द मोस्ट नाजुक पार्ट ऑफ पूरी गाड़ी का रैप इज दिस बम्पर्स। बम्पर्स मांगते हैं बहुत ज़्यादा नीटनेस, इसीलिए इसकी भी मंजाइयाँ स्टिल जा रही हैं, इसको देख रहे हैं कहीं से भी ऐसा ना हो कि कुछ रफ रह जाए और वहाँ से फिर बाद में पेपर कल को उठता हो, इससे बेहतर है कि पहले एहतियात कर लें। इसको शुरू करते हैं। काफ़ी सालों के बाद बुलेट की बारी आ गई है, दिस इज़ द पार्ट वेयर आई स्टार्ट टू डूलिंग ऑन दिस, कि क्या मज़ेदार लग रही है यार, वेरी नाइस वेरी नाइस, डोंट नो येट बट वेरी नाइस। साथ एक अदद बिना की प्लेट चीटी जो हमने मल्टी कलर में बनवाई थी, जो कभी लगाई नहीं गई, उसको हमारे फ्रेंड जावस्ती में मशवरा दिया कि आप लगाएं, ये अच्छी लग रही है पप्पू, वाइट रिम्स लगाने लगे हैं, वाइट रिम्स वाइट प्लेट। और इस लम्हात में कुछ बातें जो अपन के दिल में आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि रैप अच्छा हो गया, गुड हो गया माशाल्लाह, बहुत ही तेज कलर है, आप असल में देखेंगे तो आपकी आंखों में चुभेगा थोड़ी देर, फिर आप उसके साथ सेटल होंगे, आप ऐसे कर लेंगे जनवर, थोड़ी देर में आप उसके साथ सेटल हो जाएंगे, तो अच्छा हो गया, सब कुछ प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बाकी अपनी पूरी कोशिश की है कि जिधर जिधर से अच्छी तरह फोल्डिंग हो सकती थी वो सब कुछ ओके किया है, अंदर तक फोल्डिंग दी है, कहीं से भी उतरे शुतरे ना कल को वो भी किया है, बम्पर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नीटनेस से रैप हो गए हैं, कुछ ऐसे है इसको हम चलाएंगे इंशाल्लाह जितना हमसे चलता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। खैर इट्स टू अर्ली फॉर ऑल दिस, अभी आप फिलहाल होगा उसके बाद मुझे कलर भी पता है कौन सा होगा। तो फिलहाल आप मीना लाइम ग्रीन मीना एंजॉय करें। काफी सारा वक्त गुजर चुका है, टाइम हो गया 11 बजे का तकरीबन, फ्रंट हेडलाइट्स हमारी स्मोक हो रही हैं, बम्पर शम्पर ओके हो गया है, गाड़ी भी ओके हो गई है, थोड़ा सा इंतजार और करें, वेदर स्ट्रिपें लग रही हैं नई, डोर हैंडल्स ग्लॉस ब्लैक लग चुके हैं, ये वाले पीस भी लग चुके हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। किसी नुआ सोखा मिलिया रात जाग जाग कटनिया पिजल्ट लाइम ग्रीन मीना माशाल्लाह, फ्रंट प्लेट रह गई है और ग्लॉस ब्लैक जो मजे करवा रहा है इतनी अंधेरे में भी,
चिटे रिम, क्या बात है यार माशाल्लाह। वीडियो खत्म होती है यहाँ पे, रैप मीना हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काम हो गया, आई एम लविंग इट। एंड इफ यू आर, कमेंट्स में अपनी राय से गा करें कि आपको मीना कैसी लग रही है। उसके अलावा पर्सनली तो यार आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है, मज़ा करा रही है, ओके गुड। मतलब ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर रहा अपनी चीज़ की, तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बाकी पेंडिंग जो काम रह गया, स्पॉइलर लगना है हमारा ग्लॉस ब्लैक, उसके अलावा बम्पर पे जो ब्लैक पट्टी होनी है वो चीज़ें रह गई हैं। बाकी मेरी नज़र में जी सब कुछ हो गया अच्छा अच्छा, आप लोग अपनी राय से गा करें। बाकी अगर किसी के कोई सजेशंस वगैरह हैं कि इसके साथ हम कुछ और खेल सकते हैं अगर, तो वो भी हमें अपनी राय से गा कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मीना का रैप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 17,000 होने वाला यार, फटाफट कर दो ज़रा, दस्ती हो गए ना, टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे वीडियो आए और 17,000 पूरा हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। भाई कहते हैं ज़्यादा 5 बजने को हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to die.